सीन्स आज भी कुछ ऐसे हैं. दिस इज द नेक्स्ट डे मंडे मॉर्निंग एंड विद दैट सेड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन. हम लोग रेडी हो गए हैं. यहाँ पे मैंने राइडिंग गियर पहन लिया है, रेहान ने भी पहन लिया है, हरीशा ने भी पहन लिया है. पैकिंग ऑलमोस्ट हमारी हो गई है एंड राइट नाउ द टाइम इज 12 इन द आफ्टरनून. वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम डेल्टन विच इज़ एट दमन. यहाँ पे स्टे काफ़ी अच्छा लगा. ब्रेकफास्ट भी हमने दबा के किया. अगेन इट्स अ फ्री ब्रेकफास्ट तो बनता ही है दबा के करना. एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं. आई विल सी यू ऑन द बाइक. From Delton and here you can see the wedding is going on. चलो अभी हम लोग डेल्टन से यहाँ निकल रहे हैं. राइट नाउ इट्स 12:50. गणपति पप्पा मोरिया एंड दिस इज फॉर रेहान हाउस. बिल्लाह मैंने शैतान अर्जम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. पेट्रोल पंप यहाँ पे आ जाओ. पेट्रोल भरा दे. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. तो यहाँ पे हम लोग देखिए ये लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर विजिट. सो दमन का यहाँ पे बॉर्डर ख़त्म होता है. दमन दीव जो हमारा यूटी है हिंदुस्तान का, वहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं. यहाँ पे मैं रुका हुआ था क्योंकि गर्मी इतनी है, पसीना इतना आ गया मुझे हेलमेट के अंदर कि पसीना आँख में घुस गया पूरा. एकदम नमक नमक लगने लगा. मतलब आँख से टेस्ट नहीं आता है फिर भी वो थोड़ा नमक नमक जलता है तो उस वजह से. अभी हम लोग को खाली 15 किलोमीटर हुआ है होटल छोड़े हुए, पर बहुत गर्मी थी. लगभग 33.5. हाईवे पे आने के बाद थोड़ी गर्मी कम लगती है, बट जब तक आप चलते रहेंगे तब तक, जब भी आप रुकाते हैं गर्मी ऐसा लगता है बहुत जल्दी बढ़ गई है. इसकी गर्मी की तपिश पूरे बॉडी से टपकती रहती है. तो ये आप देखिए लेफ्ट में जो मंदिर आ रहा है वो हनुमान जी का मंदिर है. हमेशा इसी मंदिर से मैं पहचानता हूँ कि सिलवासा नज़दीक आ गया है. दैट्स द लैंडमार्क फॉर मी. तो यहाँ से सिलवासा बहुत ही नज़दीक है. दमन इज ऑल्सो अराउंड 22-23 किलोमीटर फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस टेम्पल. वो सामने पहाड़ देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और बारिश में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है. एंड राइट नाउ वी हैव क्रॉस्ड 55 किलोमीटर फ्रॉम दमन. और मुंबई मतलब पवई पहुंचने के लिए 117 किलोमीटर है. राइट नाउ द टाइम इज 1:46 इन द आफ्टरनून एंड द टेम्परेचर इज 32.5 डिग्री सेल्सियस. गर्मी बहुत हो रही है पर चल रहा है हवा, मतलब बाइक चल रही है तो समझ में नहीं आ रहा है, पर अंदर हम लोग पूरे पसीने से डूब गए हैं. और रोड देखिए क्या मस्त रोड है. And we are reaching at Chairoti Toll Plaza. This is the toll plaza of Chairoti. आते वक्त वाला अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो इसी के आगे हम लोग अहूरा में रुके थे और आते वक्त मैंने ये टोल बताया था आप लोगों को. We have planned to stop here. Sorry, Ryan. We have planned to here at food hub. Which has been around 95 kilometers away from this place. What do you call Daman? Where you're going is the here. Lagao idhar. अभी हम लोग रुके हैं मन्नोर के आगे जो food hub आता है वहाँ पे और ये ocean पी रहे हैं. It's a good taste. ये guava flavor के, पेरू के flavor के, बहुत अच्छा taste आता है. इसको कभी try कीजिए. This is I guess after a long time I'm trying this and he's our new subscriber. तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फूड हब कैलाश सरोवर. रेहान भाई अपना स्ट्रैप बांध रहे हैं
गणपति बप्पा मोरिया, हर हर महादेव, जय भगवान जय। आगे And look at the water body towards the left, and that's where fountain is. हम लोग fountain पहुंच गए हैं, and अभी पवई approximately 28-29 किलोमीटर है यहाँ से Google के हिसाब। तो हम यही बोल रहे थे, पहली बार बिना ब्रेक मारे, बिना पैर नीचे रखे हम लोग फाउंटेन क्रॉस किए। ये तो यहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक रहती है, like you can't believe it। और you can see right towards the right hand side there is a lot of traffic. You'll find similar traffic, ऐसे सेम ट्रैफिक गचा गच भरा रहता है वहाँ पे। अभी हम लोग ब्रिज पे रुके हुए हैं, यहाँ से हमको जाना है पवई के लिए। तो रेहान को हरीश के पैनियर से कुछ निकालना है, रेहान यहाँ से ये मुमरा होके कलमबोली निकल जाएगा और हम लोग यहाँ से पवई जाएंगे। एंड राइट नाउ इट्स 4:33। ओह सो सॉरी, राइट नाउ इट्स 3:43, नॉट 4:43, इट्स 3:43। चलिए चलिए चलो, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया। हम लोग पहुंच गए पवई और अभी हो रहा है 4:02 पे, गूगल वॉज शोइंग 4:45 और 5 o'clock। मैंने बराबर से टाइम नहीं देखा, फिर भी गूगल से हम लोग अगर देखा जाए तो 45 मिनट और एक घंटे के लगभग पहले पहुंचे हैं। एंड आर जस्ट गोइंग फ्रॉम हियर बिकॉज वी विल गो टू साकिना का एट हिज प्लेस। बाय बाय एंड आई विल टेक द सर्विस रोड। तो कुत्ते जैसी हालत हो गई है, मैं आपको नहा धो के मिलता हूँ।